दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के प्रश्नों के साथ साथ उनके अनुभवों को भी जानेंगे और इन जो तीन तरह के अनुभव और साथ ही साथ प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे जो दर्शकों की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। तो आज सबसे पहले हम अमेरिका के रहने वाले एक हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वगैरह को गुप्त रखने के लिए कहा है, लेकिन उनके लेटर का स्क्रीनशॉट मैं आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, ईमेल वगैरह वगैरह मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले उनके बारे में जो उन्होंने बताने की कोशिश की है और उसका उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं, ये सब हम आज के पहले सबसे पहले ले लेते हैं, बाकी आगे के दो जो प्रश्न हैं वो भी लेंगे। तो सबसे पहले इनका पढ़ते हैं पत्र और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में देश के प्रति क्या भावनाएं हैं और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अमेरिका में रहता हूँ और आपका धर्म रहस्य मैं रोज देखता हूँ। मेरा नाम आप शेयर मत कीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी आप किसी से शेयर मत कीजिए। मैं यहाँ पर अपना कोई अनुभव बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जो भारत पर संकट चल रहा है वो चर्चा करने आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है कश्मीर में, जिसकी समाप्ति का अंत कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हर रोज़ हमारे बेकसूर जवान शहीद हो रहे हैं और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जितने देश के बाहर दुश्मन हैं उससे ज़्यादा देश के अंदर दुश्मन हैं। मैं आपसे और आपके रोजाना देखने वालों से विनती करने आया हूँ कि अगर हमें अपने दुश्मनों का खात्मा करना है तो हमें क्या क्या कर सकते हैं अपने जवान भाइयों के लिए और अपने देश के लिए, और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए हम कौन सा आक्रामक रुख अपना सकते हैं ताकि हमारा भारत सुरक्षित रह सके। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा है बगलामुखी साधना का, जिसमें लिंक मैं दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में एक पीताम्बरी शक्तिपीठ है जहाँ पर 1962 में बगलामुखी का महायज्ञ हुआ था। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा चीन की सेना को रोकने के लिए वहीं पर बगलामुखी यज्ञ जो रामायण में मेघनाथ कर रहा था और जिसको लक्ष्मण और हनुमान जी ने मिलकर तोड़वाया था, और महाभारत में भी भगवान कृष्णा ने पांडवों द्वारा करवाया था, वही बगलामुखी यज्ञ 1962 में बड़े बड़े ब्राह्मणों पंडितों और तांत्रिकों द्वारा किया गया था। माता धूमावती भी वहाँ पर उनके साथ स्थापित हैं। उस शक्तिपीठ के जो उच्च के हैं, जो उन्होंने कहा था कि मैं यज्ञ रुकवा दूंगा लेकिन उसके लिए एक महायज्ञ करवाना पड़ेगा और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल होना पड़ेगा। 9 दिनों का यज्ञ था, 9 दिनों तक सुबह शाम लगातार यह यज्ञ चलता रहा था। 9वें दिन जब आखिरी यज्ञ के दिन हमारे प्रधानमंत्री को UN की तरफ से चिट्ठी मिली थी कि चीनी सेना ने युद्ध रोक दिया है और वो पीछे हट गई है। और दूसरी बात कि जो तांत्रिक बाबा हैं या आपके जैसा पंडित कोई भी, जिन लोगों ने साधनाओं को पूर्ण किया हो, ऐसे लोग क्या हमारे देश के दुश्मनों के लिए जो बाहर से बैठे हैं और उन पर मारण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते अपने घर में बैठे ही बैठे? अगर आप हमें वह मंत्र बताएंगे तो हम भी अपनी आत्मरक्षा करेंगे। जिस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है या तो उन्हें मार दिया गया है या उन्हें पलायन करना पड़ा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सीमा पार से दुश्मन आते रहेंगे, हमारे बेकसूर नौजवान जो हैं वो मारे जाते रहेंगे। और आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपकी साधनाओं में सफलता मिली है तो अपनी इच्छाओं को पाने के लिए तो एक बार देश को बचाने के लिए और देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए भी साधना कीजिए। जो भूत प्रेत योगिनी यक्षिणी भैरवी अप्सरा साधना जिनके पास मंत्र है और जिनको इन सब की साधना करनी है, वह अपने देश के दुश्मन जो बाहर बैठे हैं उन सबको सबक सिखाइए। और हम बॉर्डर पर सेना के साथ जंग तो नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम हमारे जवानों की मदद कर सके और अपने देश के दुश्मनों को मारण शक्ति द्वारा प्रयोग कर सके। नहीं तो जिस तरह हमारे बहुत सारे दुर्लभ साधनाएं विलुप्त हो चुकी हैं, कल थोड़ी देर करके साधना जो आती है वो भी बहुत ही मंत्र है, वो भी विलुप्त ना हो जाए। और वो भी भयानक ये है कि हमें करने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर तो हमारे पास बचने का कोई तरीका भी नहीं मिलेगा। अगर आज हमारे अपने ऊपर कोई संकट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कवच है जो हमारे पास जो हमको खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं? ऐसे भारत में तो विरोध में बैठे नेता क्या सुप्रीम कोर्ट तक हमारे हिंदुओं के खिलाफ बैठे हैं, जो राम मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं, और सारे सबूत होने के बावजूद जो नेता भ्रष्ट इल्जाम तय होने के बाद भी जमानत पे जमानत मिले और आम लोगों को तुरंत सजा मिले, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी क्या करना। मैं सिर्फ अपना दुख बयान कर रहा हूँ जो नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हो रही है। अगर कुछ भी हल निकले तो मुझे खुशी होगी।
मेरी सबसे पहले यही विनती है कि कभी भी साधना करना ना छोड़ें। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मीने मरने की नौबत आ जाए, तब यही तंत्र मंत्र हवन साधनाएं काम आएंगी। अच्छा गुरुजी, मैं चलता हूँ, भविष्य में अगर कोई अनुभव हुआ तो जरूर शेयर करूंगा। प्रणाम, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, ये था इन्होंने अनुभव अमेरिका से भेजा है। तो ये अपनी बात बताना चाह रहे हैं, अपनी जो अपनी एक सोच रख रहे हैं कि क्या वो कह सकते हैं, किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, कई कई तरह की बातें होती हैं, सारी पूरी बातें हम लोग नहीं बताते हैं, और सब कई चीज़ें होती हैं। देखिए, तंत्र मंत्र में भी कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि उस शक्ति, उस व्यक्ति, उस चीज़ का कुछ अंश होना, उनको प्रयोग करने के भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग किया जाना, ये सब चीज़ें जरूरत पड़ती है। 62 की लड़ाई में उन्होंने कहा था कि हमने यज्ञ से हम युद्ध रुकवा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सेना द्वारा उनको पराजित कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास उनकी कोई चीज़ नहीं मौजूद है। तंत्र मंत्र वगैरह में भी सब चीज़ें, या मारण शक्ति वगैरह में भी बहुत सी चीज़ें दूसरों की जोड़नी पड़ती हैं। दूसरी बात, मारण शक्ति का प्रयोग यूं ही नहीं किया जाता है। हमें ये नहीं पता हमारा शत्रु कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शत्रु हमारे घर में ही बैठा है, घर के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ एक खिलौने हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़िंदगी की सच्चाई भी यही है। जो लोग लड़ते हैं, यानी जिन्हें कहते हैं हम सैनिक, वो कभी भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। असली खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं वो राजनेता खेलते हैं, चाहे वो दुश्मन देश के हों या हमारे देश के हों। तो इन सब बातों को समझ के ही बात सोचनी चाहिए, और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हर चीज़ को उसकी गहराई तक जाकर आप समझेंगे तो बहुत से ऐसी राज निकल के सामने आते हैं जिनके बारे में सुने, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर को कोई सजा हो जाए। तो इस बात का ध्यान रख कर के ही हमको इन चीज़ों को करना चाहिए। और रही बात गोपनीय विद्याओं की या इस तरह की मारण शक्ति प्रयोगों की बारे में, तो इनका प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई रास्ता ना हो। हम इतने सक्षम हैं कि हम सबको रोक सकते हैं, सिर्फ अपने तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। हमारा तंत्र बिगड़ा हुआ है, हम इसीलिए विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं। किसी ज़माने में हम विकसित देश थे, उस वक्त जब भारत की सीमाएँ अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक होती थी, और ऊपर में रसिया से लेकर के नीचे श्रीलंका तक होती थी, तो वो एक ऐसा विशालकाय जम्बू द्वीप था जब हम पूरे संसार पर राज कर रहे थे। आर्यावर्त के नाम से हमें जाना जाता था, और पूरे संसार पर हमारा ही कब्जा था, हमारा ही आधार था। हम ही ने सबको देवी देवताओं की पूजा आराधना सिखाई, हम ही ने अपसूने का आविष्कार किया, हमने ही सभी तरह की योग विद्याएं और गोपनीय तंत्र संत पूरे संसार भर को सिखाए थे। लेकिन हुआ क्या बाद में, ऐसी ऐसी चीज़ें होती चली गई कि हम लोगों ने अपनी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया, और अपनी जो मूल ताकत है, व्यक्ति में स्वयं में मूल ताकत होती है, उसको उपयोग करना चाहिए। हमने अपने तंत्र का प्रयोग करना छोड़ दिया। तंत्र का अर्थ ये नहीं है कि पूजा करके बैठ करके किसी चीज़ को हमला करना या बातें करना, बल्कि हमारे अंदर मौजूद अपनी आत्मशक्ति, हम अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी सोच को। और सबसे बड़ी क्या है, हमारे देश में एकता की कमी है। और एकता क्यों कम है, एकता इसलिए कम है क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। तो धर्म और जाति से अगर ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बार फिर से हिंदू सनातनी एक हो सकता है, और वो कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हम देवी देवताओं को बुलाएं, क्योंकि अगर हमने देवताओं को बुलाया तो निश्चित रूप से राक्षस, भूत प्रेत, या यूं कहिए कि तामसिक शैतानी शक्तियाँ उन शैतान शक्तियों के साथ जुड़ जाएंगी, वो भी प्रकट होने लगेंगी उनकी सहायता करने के लिए। क्योंकि एक नियमावली है, नियमावली ऐसी है कि अगर हमने देवताओं का सहारा नहीं लिया तो उनको भी राक्षसों का सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमने देवताओं का सहारा ले लिया तो उनको राक्षस फ्री में ही मिलने लग जाएंगे। तो ये ऐसी एक गोपनीय बात ये भी है, और ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो इन सब बातों को भी देख करके हमको चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आप परेशान ना हो, बल्कि हमें देश को एक करना है, लोगों की सोच को अच्छा बनाना है, अपने विकास के बारे में सोचना है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या हमारे सामने ना आए, तभी हम जिंदगी में और अधिक कामयाब हो सकते हैं। तो इस बात को समझ के चलिए, तभी आपका कामयाबी हमको मिलेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है, अपनी गोपनीय विद्याओं की जानकारी रखते हुए अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग अपने जीवन में करें, ताकि हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अपनी एक उपयोगिता सिद्ध कर सकें और संसार को अपने अधीन ला सकें। और एक दूसरा प्रश्न है जिन्होंने, राहुल यादव हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरा एक प्रश्न है जो आप चाहें तो उत्तर श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जो हम जो गुरु बनाते हैं, एक आध्यात्मिक जो हमारे जीवन भर ही गुरु रहते हैं, और एक वो जो हम अलग अलग साधनाओं के लिए गुरु बनाते हैं, तो गुरु जी जब तक हम अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक हम साधना के लिए गुरु नहीं बना सकते हैं। और गुरु जी क्या जब जब गुरु बनाएंगे तो सब के सब गुरु मंत्र मिलेगा, इस पर अपनी राय दें, इस संबंध में जो भी जानकारी वो हमें बताइए।
तो देखिए, आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये है कि आपको आध्यात्म से जोड़े, उसका भौतिकता जीवन से संपर्क 0-0 रहे। तो जो मैं जैसे मैं मंत्र देता हूँ वो पूरी तरह से आध्यात्मिक मंत्र है, और उस क्योंकि एक ऐसा एकमात्र ही ऐसा आध्यात्मिक मंत्र ये वाला है जो पूरी तरह से भौतिकता आध्यात्मिकता दोनों को कंप्लीट करता है। तो आध्यात्मिक गुरु का मंत्र भी वो है और भौतिकता भी देने में सक्षम है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है भौतिकता में, बल्कि उसकी ऊर्जा का प्रयोग की वजह से हम जब दूसरी साधनाएं करेंगे तो उसमें हमको सफलता मिलेगी, वो भौतिकता के जीवन से जोड़ देंगी। तो वो तो हो गई एक बात। रही बात प्रश्न जो आपने पूछा है कि हम आध्यात्मिक गुरु जब तक नहीं बनाते हैं, आध्यात्मिक गुरु जब हम नहीं बना रहे हैं, साधारण व्यक्ति के लिए प्रश्न है, तो हम साधना के लिए गुरु नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। किसी एक विशेष साधना के लिए भी आप गुरु बना सकते हैं, और उनसे जो गुरु मंत्र प्राप्त होगा वो उसी साधना के लिए वो मंत्र काम करेगा। किसी और चीज़ के लिए आप उस मंत्र को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, क्योंकि आपने किसी विशेष चीज़ को करने के लिए ही वो गुरु बनाया है। और रही बात कि कितने गुरु बनाए जा सकते हैं, तो अनगिनत गुरु भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और एक कहते हैं ना इष्ट मंत्र देने वाला गुरु, तो इष्ट मंत्र देने वाला जो आध्यात्मिक गुरु होता है उसे वो एक ही होता है, अकेला ही होता है, और उसकी साधना हमें पूरी ज़िंदगी करनी होती है ये सोचे बिना कि हमें इस मंत्र से क्या प्राप्त होगा, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। क्योंकि वो आध्यात्म है, वो भौतिक नहीं है। भौतिक का मतलब है ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक सब प्रकार की चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने के लिए किया जाने वाला मंत्र जाप। तो यहाँ पर जीवन को ही समाप्त कर देने की बात है, जीवन के बाद की बात है। यानी कि आध्यात्म का मतलब क्या? आत्मतत्व। आत्मतत्व की साधना करने वाला भौतिक जीवन की कोई बात नहीं सोचता है और ना उसे सोचनी चाहिए। उस मंत्र का काम केवल आध्यात्मिक जीवन की उन्नति है, और वो और उसका देने वाला जो गुरु होगा वो आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। इसी प्रकार एक जगजीत सिंह जी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की है। चलिए जान लेते हैं क्या कहा है। गुरु जी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं बटाला सिटी पंजाब से हूँ। मैंने आपसे 12/12/2018 को गुरु दीक्षा ली थी। गुरु जी मेरे एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि जब से गुरु दीक्षा ली है तब से माता की जोत जगाता हूँ, जो जगती भी है मगर 30 मिनट के बाद चलती है और वो अपने आप ही फिर बंद हो जाती है। मैं सोचा कि शायद वहम वगैरह हो, तो मैंने सही करने की कोशिश की, घी की में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा देखने की कोशिश की। काली माँ को मैं भगवत हूँ, उनकी साधना भी करता हूँ, पर 3 मंथ होने को हैं पर जोत केवल 30 मिनट तक ही जलती है, फिर अपने आप ही बुझ जाती है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 30 मिनट से ज़्यादा जोत जली हो। आप कुछ करके देखिए क्या, मेरे जोत जलाने के दीपक भी लगाया और उसमें भी मैंने और चीज़ों का प्रयोग किया। तो 17/2019 को उन्होंने 12 बजे के समय साधना सपने में मुझे एक जोत वगैरह भी दिखाई दी। इसकी वजह से मैं जो है मैं उस पर वीडियो भी बनाना चाह रहा था मोबाइल से कि 30 मिनट किस प्रकार से वो जली, लेकिन फिर भी वो जो उससे पहले वो बुझ गई, वो नहीं बना पाए, इसकी वजह से ये बता रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ ऐसा अनुभव होता है कि इनके कोई प्राइवेट पार्ट को जो है छूने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उनको गलत तरह के अनुभव भी होते हैं। तो ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की है, और ये कहते हैं कि 30 मिनट क्यों ही जो जलती है, और साफ साफ पता चलता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ जरूर है। शरीर रक्षा मंत्र के लिए कहते हैं कि कोई भी साधना से पहले जरूर कर लेना चाहिए, इसलिए ताकि इस तरह की समस्याएं नहीं आएँ। और मुझे इस बात में अगर ये कह रहे हैं कि अगर किसी को यकीन नहीं हो कि ऐसा हो रहा है और 30 मिनट के लिए जोत जलती है, उसके लिए अगर चाहे तो वो मुझसे बात भी कर सकता है। मेरी जीमेल आईडी उन्होंने नीचे दी है, jagjeetsinghrules@gmail.com पे। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें इनके साथ घटित हुई हैं, और इसके बारे में अगर कोई मुझसे बात करे तो कर लीजिए, और ये बताना चाह रहा था मैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है इसके बारे में बताइए। तो देखिए, इन्होंने ये कहा है कि इनकी जो जोत है वो 30 मिनट तक ही जलती है, इसके पीछे का क्या राज है? तो अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, जैसे कि कई कई बार हम लोग जोत जगाने में गलतियाँ कर जाते हैं, तो ये सीख लीजिए कैसे जो जगाई जाती है, जो अखंड जोत लोग जगाते हैं उस तरह की जोत कैसे बनाई जाती है वो आप सीख लीजिए। लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर ऐसा हो रहा है कि सचमुच में आप वैसा करने के बावजूद भी कोशिश करिएगा कि इस तरह करिए, और फिर भी अगर जोत 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जल रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऊर्जा को 30 मिनट के बाद में कोई शक्ति ले जा रही है, वो शक्ति आपकी ऊर्जा को और आपकी पूजा की शक्ति को छीन ले रही है। कौन सी शक्ति है? या तो आपने पहले कोई साधना की होगी, उसमें कोई गलती कर दी होगी, इसकी वजह से वो शक्ति आती है, ऐसा करती है, और या तो फिर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कोई ना कोई गलती की होगी, इसकी वजह से भी वो शक्ति आपसे नहीं जुड़ना चाहती हैं। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो खुद रोकती हैं जब वो देखती हैं कि ये शक्ति इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आप इन दोनों चीज़ों को ज़रा सुधारिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है।
तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि आप सरल सा प्रयोग दीजिए कि जैसे लोग जोत जगाते हैं, अखंड जोत जिसे कहा जाता है, उसी तरह से एक जोत बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वैसे, और उसे सीखे जाकर कैसे बनाई जाती है, और उसको ले जाके देखिए अगर, और फिर साधना कीजिए। अगर फिर भी वो 30 मिनट के बाद जोत नहीं जगती है, या कि 30 मिनट बाद वो अपने आप बुझ जाती है, कोई भी कारण होता है ऐसा, तब आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई शक्ति आपके ऊपर हावी है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपने कभी कोई ना कोई साधना पहले की होंगी, जो गलती आपने कर दी है कहीं पे, उसकी वजह से वो शक्ति आपकी पूजा का फल खींच रही है। तो अगर ऐसा हो तो आप मुझे आगे चल के बताइएगा, तो मैं आपको इसका जरूर कुछ ना कुछ बताऊंगा उपाय कि आपको क्या करना है। पहले आप ये देख लीजिए कि आपके साथ ये इसकी विधि क्या है, सही ढंग से कहीं पर भी जहाँ पे अखंड जोत जलती है उस तरह से ही जला करके देख लीजिए। तो ये थे आज के अनुभव। अगर आपको पसंद आए हों और प्रश्न, तो जिस निश्चित रूप से आपके अच्छे के लिए मैंने बताया यहाँ पर, और बाकी लोगों के लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि अलग अलग तरह के अनुभव लोगों को होते रहते हैं और उनसे अलग अलग तरह करके रिजल्ट भी निकल के आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।